Welcome to Simply Lakshmi's Life. Hey guys, good morning. आज पूरा धूप है. मैं ब्रश कर लिया. आज मैं फिशिंग गेम खेलूंगी. तब मैं ब्रेकफास्ट करूंगी. क्या आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को. तो इसके लिए सबसे पहले जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको प्रेस करना पड़ेगा. उसके बाद ये ब्लैक कलर का हो जाएगा और साइड में जो बेल बटन आता है उसको जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूँ वो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए. और हाँ, मेरी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा. Hey guys, welcome back to my channel. और आज है सैटरडे. सैटरडे मॉर्निंग से मैं अपना ब्लॉगिंग जो है स्टार्ट कर रही हूँ और आप देख सकते हो कि बहुत ही अच्छा धूप निकला है यहाँ पे. सुबह सुबह तो बहुत अच्छा लग रहा है. इनफैक्ट मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट नहीं किया, कृति ने किया है. वो बहुत इंटरेस्ट रखती है क्योंकि उसको बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के साथ बात करना. तो इस पार्ट को मैंने एडिट नहीं किया है, रख दिया आप लोगों के लिए कि जो आप लोगों के लिए उसने बनाया है आप लोग भी मतलब एंजॉय करो. तो इसीलिए उसने ब्लॉगिंग स्टार्ट किया है. अभी मैं कंटिन्यू करूंगी ब्लॉगिंग को. और यहाँ पे मेरी कॉर्न जो है वो उबल रहा है क्योंकि आज मैं ब्रेकफास्ट में बनाने वाली हूँ सैंडविच. तो इसके लिए मैंने कॉर्न को थोड़ा सा सॉल्ट दे के उबाल लिया है और मैंने लिया है ऑनियन, थोड़ा सा क्यूकम्बर और थोड़ा सा कैरेट. यहाँ पे आप चाहो तो और भी कुछ ऐड कर सकते हो. और मैंने थोड़ा सा सॉल्ट और चाट मसाला यहाँ पे ऐड किया है. अभी मैं वेज मेयोनीज ऐड करूँगी. ये मैं डीमार्ट से लेके आई थी और मेरी बेटी भी मेरे साथ सैंडविच बना रही है क्योंकि उसको सैंडविच बनाना आता है तो इसीलिए वो भी कर रही है. और आज मैंने ब्रेकफास्ट में ज़्यादा कुछ नहीं बनाया है क्योंकि आज मैं करने वाली हूँ लिविंग रूम को डीप क्लीनिंग. तो इसीलिए खाना भी मैंने पहले बना लिया है और अभी मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ और इसके बाद मैं लिविंग रूम का क्लीनिंग स्टार्ट करूँगी. और मेरी बेटी को ये वाला सैंडविच बहुत पसंद है. जब भी मैं ये बनाती हूँ तो वो बोलती है मम्मा यू आर द बेस्ट कुक. तो मुझे ये सुनना बहुत अच्छा लगता है और ये मेरे लिए सबसे बड़ी कॉम्प्लीमेंट है. और आज वो इसलिए बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि ये ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं थोड़ा बिजी हो जाऊँगी. तो अभी उसको अच्छा अच्छा ब्रेकफास्ट खिला रही हूँ ताकि जब मैं बिजी हो जाऊँ तो उसको अच्छा मतलब बुरा ना लगे. और वो अपने पापा के साथ आज टाइम स्पेंड करेगी वीकेंड और मैं इधर थोड़ा अपना काम कर लूँगी. तो ये रहा हमारा ब्रेकफास्ट जो कि बिल्कुल रेडी है. अभी मैं इसको सैंडविच मेकर में डाल दूंगी तो ये बिल्कुल बनके रेडी हो जाएगा. और अतनु का जो सैंडविच है उसमें मैं चिली ऐड कर रही हूँ क्योंकि अतनु को चिली मतलब स्पाइसी ज्यादा पसंद है. और आज कृति ने जो ड्रेस पहना है ना वो मेरा एक पुराना टी शर्ट है. दिखाओ. सी लाइक इट वेरी मच. उसको लगता है कि ये उसका नाइटी है ना. यू लाइक नाइटीज? ये आज मेरा ऐसो. चलो माथा तेल दे दी ऐसो. अभी वो हेयर ऑयलिंग करेगी क्योंकि आज उसको हेयर वॉश करना है. और यहाँ पे मैं इंदुलेखा हेयर ऑयल यूज़ कर रही हूँ मेरी बेटी के लिए. ये मैं और मेरी बेटी मेरे हस्बैंड तीनों ही यूज़ करते हैं. और इसका रिव्यू ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, अगर आप चाहो तो चेक कर सकते हो. ये बहुत ही अच्छा है. बहुत मुझे तो बहुत हेल्पफुल हुआ है मेरी बेटी के लिए भी और मेरे लिए भी. Thank you.
तो कृति ने नहा लिया है ना, और वो अभी ये वाला मॉइस्चराइजर यूज कर रही है, ये वाला। ये एक्चुअली डॉक्टर ने उसको दिया है, ये फीवर के बाद था, थोड़ा जो स्किन होता है ना, थोड़ा सा ऊपर का स्किन जो है वो उठने लगता है, तो हाँ स्किन निकलने लगता है, तो इसीलिए डॉक्टर ने ये वाला मॉइस्चराइजर उसको यूज करने के लिए दिया है। अदरवाइज हिमालया का सारा प्रोडक्ट वो यूज करती है, बॉडी मसाज ऑयल, हिमालया का जो डस्ट पाउडर होता है, मॉइस्चराइजर, बेबी क्रीम, सारे वो हिमालया का यूज करते हैं नॉर्मली। अभी ये डॉक्टर ने बोला है तो ये वाला वो अभी यूज कर रही है कुछ दिनों के लिए। तो कृति ने नहा लिया है ना, हाँ। अभी कृति क्या करेगी? क्लीन, क्योंकि काफी दिनों से वो अपना रूम यूज कर रही है, यूज कर रही है मतलब वो अपने रूम में बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर रही है। Let's start cleaning. तो मैंने उसको सिखाया है कि अपने रूम अपने मतलब अपने हाथ से क्लीन करना, तो स्टडी एरिया जो होता है ना बच्चों का बहुत ज्यादा बिखर जाता है बहुत जल्दी जल्दी, तो मैंने बोला है एवरी वीकेंड तुम ये काम करोगी और मैं उसको हेल्प करती हूँ, लेकिन ज्यादातर काम वही करती है। मैं उसका मतलब मैं चाहती हूँ कि उसका ये हैबिट बन जाए, ताकि जब मैं ना भी बोलूँ तो वो ये जगह को क्लीन कर दे, तो वही मैं आज उससे करवाऊंगी, और क्या मैं थोड़ा बहुत उसको हेल्प करती हूँ वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलो करो। और ये एक छोटा सा डस्टबिन है उसका, बहुत ही क्यूट सा डस्टबिन है। यहाँ पे वो मतलब बहुत सारे कागज के टुकड़े उसका मतलब मिलेगा, क्योंकि ड्राइंग वो करती रहती है और कचरा बनाती रहती है, लेकिन अच्छा ड्राइंग करती है, अच्छा मतलब ठीक ठाक। तो बहुत सारे टिशू वगैरह सब यहाँ पे रखा रहता है, और जो पेंसिल को साफ करती है ना वो भी सब मैं इस डस्टबिन में ही रखने के लिए उसको बोलती हूँ, ताकि रूम जो है ना वो गंदा ना हो। तो ये छोटा सा डस्टबिन उसके लिए रखा हुआ है, क्यूट भी लगता है उसे, और ये उसका टॉय भी बोल सकते हो, क्योंकि वो उसके साथ खेलती भी है डस्टबिन के साथ। लेकिन ये ओनली फॉर कागज के टुकड़ों के लिए है, ऐसे खाना कुछ भी मैं इसको यहाँ पे डालने नहीं देती हूँ, खाने का जो वो फेंकती है सब मैं बोलती हूँ कि बाहर का जो डस्टबिन है वहां पे रख के आओ। तो ये क्यों सा डस्टबिन उसके स्टडी एरिया के लिए। और एक चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, ये एनवलप जो है ना ये मैं एक्चुअली कृति के लिए लिया था डीमार्ट से 12 रुपीज में, बहुत ही सस्ता है। और इसमें मैं क्या रखती हूँ, जितने सारे उसके कागज रहते हैं ना स्कूल से, बहुत सारे सर्कुलर आते हैं वो सब मैं इसमें रखती हूँ, और जितने सारे वर्कशीट वगैरह है सब मैं इसमें रखती हूँ, तो उसको निकालने में आसानी होती है। मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसे करके उसका जो स्टडी एरिया है ऑर्गेनाइज करूँ कि वो खुद से ले सके। आई होप अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा बहुत हेल्पफुल हुआ, क्योंकि बच्चों को ये सब सिखाना बहुत जरूरी है, जरूरी होता है। तो बाबू देखो एखान थे ना जो तो पेपर गुलो आছে তোমার ওই এনভেলপের মধ্যে ঢোকাও, স্পেলিং টেস্টের পেপার গুলো আছে না, হ্যাঁ সব এনভেলপের মধ্যে ঢোকাও, এখানে ঢোকাও, তাহলে তোমাকে খুঁজতে হবে না, তাই তো? I will keep here eraser and sharpener in this basket.
box, I will keep puzzle here. And if I play with it, then I have to clean it. My crayon, if I color with it, then I have to clean it. This is my pen stand. I will keep pencil here and scale, and I will write with it. If I write with it, then I have to clean it. I will keep it just here. I can take it by this. I will keep this here at the down, and I will keep this here at the up. This is the basket, and here is paint, and here is crayon, and here is sketch, and here is paint, here also paint, and this is also paint, and this is for doing for the clay. I will keep it down first. I have to clean it first. If I color, then I have to clean it. And where the books can be? Color books. My friend gave me this card. I will keep in the my dryer, but it's too little. Then I fold it. That's why it can be space. I will show you. Oh. Crayon ta upore tule de. Here my crayon can be here and my chalk can be on the board. Eglo tomar toy na? Ja toy basket e rekhe diyecho. Now I have to clean. Let's clean my board first. Chale eta dhar tumi. Ha? Eta dhar. Eta dhar. I clean it outside. Then it will be so clean. This is the garbage. I throw in the big dustbin. See? कृति ने अपनी स्टडी एरिया जो है क्लीन कर लिया है. अभी वो क्या कर रही है मैं दिखाती हूँ. वो और उसके पापा दोनों बैठ के ये कर रहे हैं. एक मिनट मैं कैमरा को थोड़ा घुमा लेती हूँ. I know how to do. Who gave you this? My friend give me. In your birthday? Yeah. Oh, this is your birthday gift. Yeah. I got. I happy New Year to you. Show me. Okay, so, once again. Not that one. But the real shark. No, I have to see this fish. The big fish. Oh, wow. Now to pull the big fish. Show me that how to catch the big fish. Not like that. Pull. Wait, that is... वाओ गुड. दोस्तों आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक हेयर स्टाइल बच्चों के हेयर के लिए जो कि बहुत ही इजी है. और यहाँ पे मैं मेरी बेटी के जो बाल है बहुत ही ज्यादा सिल्की है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत ऑयलिंग किया है. बहुत ही कम क्वांटिटी में, जस्ट हाथ में लेके आपको ऑयल जो है हाथ में लेके हेयर में डालना है. और आप चाहो तो जेल भी यूज कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे वही ऑयल यूज किया है जो मैं उसकी हेयर ऑयलिंग के लिए यूज करती हूँ. और पीछे के जो बाल है दो साइड से पकड़ने के बाद उसको रबर बैंड से बांध देना है. तो यहाँ पे मैं वही कर रही हूँ और मेरी बेटी बहुत हिल रही है. वो तो इससे क्या होता है, बाल जो होता है इधर उधर चला जाता है. सेम चीज मुझे नीचे भी दोहराना है. इस तरह से मैं तीन बार जो टाई है, हेयर टाई है, मैं करूँगी. दो साइड से बाल लूंगी और बीच का जो मैंने टाई किया था हेयर को, वो भी साथ में पकड़ के मैं इसमें रबर बैंड डाल दूंगी.
और सेम उसी तरह से मैं और एक बार करूंगी, तीन बार करूंगी। और यहाँ पे अगर आपकी डॉटर की बाल बहुत बड़ी है, बहुत लंबी है, तो इसको आप और भी रिपीट कर सकते हो। एकदम लास्ट में मैं जो उसका बाल है, सब बाल को पकड़ के मैं एक रबर बैंड डाल दूंगी। और सामने का जो हेयर है उसमें मैं 4 पार्टीशन करूंगी और उसके बाद एक एक पार्टीशन को रबर बैंड से बांध दूंगी। तो आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बाल लेके उसमें अभी रबर बैंड डाल रही हूँ। और इस तरह से मुझे 4 टाइम करना है। अगर आपकी बेटी का सामने का हेयर बहुत ज़्यादा है तो आप और भी ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे उसकी जितनी बाल की क्वांटिटी है ये 4 टाइम ही होगा। तो मैं इस तरह से 4 टाइम रबर बैंड जो है उसको बांध दूंगी। और अभी जितने भी मैंने टाई किया है बालों को, सारे बाल मैं एक साथ पकड़ लूंगी और उसके बाद पीछे टाई कर लूंगी, क्योंकि 4th नंबर जो मैं रबर बैंड लगा रही हूँ उसमें मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी, तो मैंने पीछे उसको क्लिप से लगा दिया था। और अभी मैं चारों को एक साथ पकड़ के पीछे की तरफ टाई करूंगी। और उसके बाद आप चाहो तो बहुत ही ब्यूटीफुल या कलरफुल कोई भी क्लिप वहाँ पे डाल सकते हो, या अगर आप चाहो तो ब्लैक कलर का भी क्लिप वहाँ पे डाल सकते हो, लेकिन मेरे पास नहीं था तो मैंने कलरफुल क्लिप डाल दिया। और ये बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये हेयर स्टाइल बहुत ईजी है, आप बहुत ही कम टाइम में इसको बना सकते हो। कृति को अपना हेयर स्टाइल कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों ये था मेरी कृति का हेयर स्टाइल, क्योंकि दुर्गा पूजा आने को है और अभी आपको बहुत टाइप का हेयर स्टाइल देखने को मिलेगा, है ना? क्योंकि पूजा में तो मतलब पूजा की ये 4 दिन ही होती है जब हम लोग सजते हैं, घूमते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं, तो ये 4 दिन तो धमाल होने वाला है। बहुत कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और आज का कृति का हेयर स्टाइल कैसा लगा प्लीज बताना कमेंट करके, है ना? लाइक करना मत भूलिएगा। हाँ, कृति की हेयर स्टाइल के लिए लाइक करना तो मत भूलिएगा, लाइक तो करना ही पड़ेगा, है ना? और हाँ, ये जो हेयर स्टाइल मैंने बनाया है बहुत ही कैजुअल है। अगर कैजुअली वो मतलब आपकी बेटी जो है बाहर जा रही है तो आप कर सकते हो। और डिफरेंट टाइप का जब पार्टी में जाए तो कैसे करके हेयर स्टाइल करेंगे वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। दोस्तों आज है 22nd September और आज है डॉटर्स डे, तो मैं आज आप लोगों के साथ एक पोएम शेयर करूंगी, क्योंकि मेरी बेटी का जब 5 इयर्स बर्थडे था मैंने उसके लिए एक पोएम लिखा था, तो वो पोएम मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आप लोग बताना मुझे कि कैसा हुआ है, लेकिन वो पोएम बंगाली में है तो बंगाली में मैं शेयर करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। আমার একটি মেয়ে আছে, ফুটফুটি তার নাম। সারা দিন সে করে বকবক, নেই কোনো কামধাম। বন্ধুর সাথে খুব খুশি সে, বেস্ট ফ্রেন্ড তার বাবা। বাবার সাথে দুষ্টুমি তার, মার কাছে খায় বকা। কিন্তু তবু স্কুলে গেলে লাগে ফাঁকা ফাঁকা, সেও কিছু কম যায় না, শাসন করে আমায়। কিছু যদি ভুল করি কাজ, সে বলে বলেছি না তোমায়। এই তো সেদিন জন্ম হলো, কোলে এলো আমার। আজ সে হবে 5 বছরের, বায়না তার 1000। গল্প তাকে শোনাতেই হবে অনেক মজার মজার, নইলে মেয়ে রাগ হয়ে যায়, সামলানো ভার সবার। গণেশ দাদার মন্ত্র বলে দিন শুরু হয় তার, পুজোর কাজে খুব মন তার, পাকা বুড়ি আমার। স্কুলটাকে যেতেই হবে, শনি হোক বা রবি, ফ্রেন্ডদের সাথে করবে খেলা, শেয়ার করবে সবই। রামায়ণ খুব ভালোবাসে, রাবণ ভারি প্রিয়। তিন হেডস ওই আঙ্কেলটার বিছানা কত বড়, প্রশ্ন 1000 ঘুরপাক খায় মাথার মধ্যে তার। কেন কিন্তু কখন এসব লেগেই আছে তার। এইভাবে সারা জীবন মাতিয়ে রেখো বাড়ি, তোমার জন্য আমরা যেন
গর্ব করতে পারি।